हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। तो आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर मोशन स्टडी कर रहे हैं और आज के चैप्टर का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर का कुछ इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड द्वारा निकालेंगे, डिराइव करेंगे। तो आइए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और उसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो हम लोग कुछ इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं जो रिलेशन बताएगा वेलोसिटी टाइम के बीच में, पोजीशन टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ये रिलेशन बताएगा। तो आइए देखते हैं, ये एक हमारा एक्स एक्सिस है, क्योंकि जो हम इक्वेशन ये डिराइव करेंगे इसमें दो कंडीशन है। पहला है कि ये जो बॉडी का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और दूसरा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। हम जितनी देर के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे बॉडी के मोशन को, उतनी टाइम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और इसका एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ इस टाइप का होगा। ये हमारा वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो जब हम इसका वेलोसिटी मान के जब हम मेजर करना चालू किए, उस समय हम टाइम जीरो ले लेंगे और उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि यू था और बॉडी का मोशन में एक्सेलरेशन है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करते जाएगा, टाइम के साथ इंक्रीज करते जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी इसका इंक्रीज करते जा रहा है। तो अगर हम और ये मान लेते कि जब हम टाइम टी था उस समय इसका वेलोसिटी भी हो गया, तो अगर हम वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का हम रिलेशन इस केस में हम निकाल सकते हैं। तो ये पहला रिलेशन हो जाएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, हम जितनी देर के लिए टाइम मेजर करेंगे तो जो फाइनल टाइम होगा उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगा ये फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब हम टाइम मेजर करना चालू किए उस समय जो वेलोसिटी था ये यू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का कंडीशन क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन हमेशा ये कांस्टेंट ही रहेगा और ये टाइम इंटरवल हम यहां से मान लेते यहां तक का टाइम हम टी ले लिया और यहां पर ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी है, तो ये टाइम हो गया टी। उसी तरह ये हो गया डिस्टेंस, हो गया एस को हम डिस्टेंस से डिनोट करेंगे तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू टू, U हो गया इनिशियल वेलोसिटी, T हो गया टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और ये फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा है और सेकेंड इक्वेशन ये पोजीशन और ये टाइम के बीच का रिलेशन बता रहा है और थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बता रहा है। तो हमें ये तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड द्वारा निकालना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारा पहले वाला केस का ही ये ओरिजिन हो गया और ये यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, हम जो टाइम को जब मेजर करना चालू किए उस समय वेलोसिटी यू था और टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी भी हो गया। तो हम
पहला हम सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये देखिए इस ग्राफ से हमें क्या मालूम चल रहा है, बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, दो पार्ट में कर देंगे बी सी को, बी डी प्लस डी सी। और बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल बी डी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी सी इक्वल टू एओ, एओ लिख सकते हैं या ओ ए, ये हो गया। और देखिए बी सी क्या है, बी सी बी सी हमारा इक्वल है भी के, यहां से यहां तक के क्या है भी है, ये देखिए भी है, ये वेलोसिटी का वाई एक्सिस को हम लोगों ने वेलोसिटी माना है। तो अगर हम यहां से यहां तक क्या है भी है, इक्वल टू भी है, ये देखिए यहां से ओ इक्वल टू बी सी है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी। और ओ ए क्या है, ओ ए है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के, यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी था, तो ये यू के इक्वल है, ये हो गया यू के इक्वल। और भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, भी इक्वल क्या हो जाएगा बी डी प्लस यू, यहां से यहां तक क्या है यू है, ये देखिए ये भी ये है यू है, तो ये यू हो जाएगा। तो बी डी हो जाएगा, यहां से हम बी डी अगर निकाल लें, इसको निकाल लें, ये बी डी को निकाल लें, तो ये हो जाएगा भी माइनस यू। बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, भी में से यू को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी डी। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इस केस में देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या है, हम जब टाइम मेजर करना चालू किया तो उस समय जो वेलोसिटी था u था, और t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी हो गया v। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, यहां से यहां ही चेंज किया bd, bd चेंज किया, ये फाइनल वेलोसिटी v है और ये इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये चेंज क्या हो गया bd ही हुआ, हम ये तो यहां तक था ही u था और ये v हो गया, ये तो हम चेंज इन वेलोसिटी तो इतना ही हुआ, ए से ई तक ही हुआ और ए इक्वल टू बी डी है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं बी डी। और टाइम कितना है, टाइम है ए डी है टाइम ए डी, तो ये हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई ओ सी, ओ सी ये हो गया ओ सी। और ओ सी कितना है, ओ सी टी है हमारा, तो अगर हम इसमें ओसी का वैल्यू टी पुटअप कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बी डी बाई टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी हो जाएगा ए टी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए टी, तो बी डी हो जाएगा ए टी। तो अब देखिए भी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा भी, यहां से हम ले लेंगे भी, भी इक्वल टू बी डी कितना है, बी डी तो ए टी है ए टी, और ए टी में ये माइनस यू को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा यू, तो भी हो जाएगा यू प्लस ए टी। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें इसको डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड द्वारा, तो आइए देखिए, हमको हम इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है
तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का जो एरिया है टाइम एक्सिस के साथ, ग्राफ ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा टाइम एक्सिस के साथ, जो हम एरिया इनक्लोज कर देंगे, तो ये एरिया जितना होगा निकालने के बाद जो भी एरिया का वैल्यू आएगा वो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाई द एरिया इनक्लोज विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी है, और इस ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा ये यहां से यहां तक वो एरिया हम निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। ये हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो जो भी एरिया इनक्लोज होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो किसका हमें एरिया निकालना है, ओ ए बी सी। तो आइए हम इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ओ ए बी सी ट्रेपीजियम है। तो इसका हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक एक पार्ट हो जाएगा ओ ए डी सी और दूसरा पार्ट हो जाएगा ए बी डी। तो देखिए ये ओ ए डी सी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और ए बी डी एक ट्राइंगल हो गया। तो हम दोनों का एरिया निकाल कर, रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का एरिया निकाल कर हम ऐड कर देंगे तो हमें ओ ए बी सी का एरिया मालूम चल जाएगा, यानी हमें पूरा का एरिया ये मालूम चल जाएगा। तो आइए हम पहले दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, और दोनों का एरिया निकाल कर हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इनटू बेस या लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ हो जाएगा ओ सी और हाइट हो गया ओ ए। तो हम ओ ए को ओ सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। उसी तरह हम रेक्टेंगल का हम भी एरिया निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ हो गया और बेस हो गया ए डी मल्टीप्लाई बी डी, हाइट हो गया यहां से यहां तक हाइट हो गया। तो ओए कितना है, ओए हमारा क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी है। तो ए की जगह हम यू पुट अप कर देंगे, और ओ सी इक्वल टू ए टी है, और ए क्या है, ये टाइम के इक्वल है टी। और बी डी कितना है, बी डी हम लोगों ने अभी निकाला था, बी डी इक्वल टू ए टी है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने इक्वेशन में निकाला था बी डी इक्वल टू ए टी। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में सभी का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए की जगह यू पुटअप कर दिए और ओ सी की जगह टी, तो यू टी हो गया, यू टी प्लस हाफ हाफ ए डी कितना है, ए डी टी है, और बी डी कितना है ए टी, तो हाफ टी मल्टीप्लाई ए टी। यहां देखिए बी डी कितना है, ए टी है, बी डी है ए टी। अभी हम लोगों ने पहले वाले इक्वेशन जब ड्राइव कर रहे थे तो हम लोगों ने बीडी का वैल्यू निकाला था, वो आया था 80। तो पुट अप कर देंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है उसका इक्वेशन हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो गया, निकाल लिया हम लोगों ने। लेकिन इसमें वही दो जो दो कंडीशन है वही रहना चाहिए कि बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। आइए हम थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
इसको भी हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम डिस्टेंस निकालेंगे। ये जो ग्राफ है, ये भी जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच का जो ग्राफ है, उस ग्राफ के टाइम ग्राफ जो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज करती है उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, तो हमें डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए इस इक्वेशन में क्या है, डिस्टेंस है, तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम एक ट्रेपीजियम का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने इस ट्रेपीजियम को क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दो पार्ट में कर दिया था, एक रेक्टेंगल बन गया था, एक ट्राइंगल बना था, तो दोनों को वो एरिया हम लोगों ने ऐड कर दिया था। लेकिन इस केस में हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, जो हाफ पैरेलल एक्सिस, सॉरी पैरेलल जो ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स है उन दोनों को ऐड करके और इन दोनों के बीच का जो एल्टीट्यूड है यानी इन दोनों के बीच का जो हाइट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए एस इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, तो इसका हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ। आप लोगों ने मैथ में स्टडी किया रहेगा कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ और दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं, इसमें दो पैरेलल साइड कौन है, OA और BC, तो ये दोनों साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं OA प्लस BC और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो एल्टीट्यूड है यानी जो डिस्टेंस है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होगा इक्वल टू OA प्लस BC मल्टीप्लाई OC डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए OA कितना है, OA हमारा u है, u है इनिशियल वेलोसिटी। BC कितना है, v है, BC यानी यहां से यहां तक कितना है फाइनल वेलोसिटी, इसका वैल्यू v है। ये देखिए BC इक्वल टू OE है और OE कहां तक है, यहां तक है और इसका वैल्यू कितना है, ये v है। तो BC इक्वल टू v हो जाएगा और OC, OC क्या है, OC इक्वल टू टी है, टाइम, टाइम के इक्वल है। ये हमारा जो एक्स एक्सिस है टाइम के ग्राफ है और यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने टाइम को टी लिया है, तो ओ सी इक्वल टू टी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सभी का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो एस इक्वल टू ओ ए की जगह यू पुटअप कर दिया, बी सी की जगह भी मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई टू। और जो हम लोगों ने इसके पहले जो निकाला था, हमें देखिए ये भी को हमें पहले जो निकाला था फर्स्ट इक्वेशन था भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमें यहां से हम टी का वैल्यू निकालेंगे, ये जो टी है तो टी का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा भी माइनस यू बाई ए, ये हमारा टी का वैल्यू हो गया। और जो हमें देखिए इस इक्वेशन में टी नहीं है तो हमें क्या करना है कि t को इस इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन निकालना है और इसमें t नहीं है तो, और यहाँ पर ये t आ रहा है तो t को हमें रिप्लेस करना है। तो t को रिप्लेस करने के लिए हम इस इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें से हम t का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये t का वैल्यू आ गया v माइनस यू बाई ए और t की जगह v माइनस यू बाई ए हम पुटअप कर देंगे। तो देखिये s इक्वल टू हो जाएगा भी प्लस यू मल्टीप्लाई भी माइनस ए, भी माइनस यू बाई ए, भी माइनस यू बाई ए और ए टू पहले से था तो ये टू ए हो गया और ये हो जाएगा भी प्लस यू। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये हो गया टू ए एस और ये हो जाएगा v प्लस यू है और ये v माइनस यू है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमें ये देखिए ये वाला इक्वेशन मालूम चल गया v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और ये क्या चीज का रिलेशन बताता है, ये वेलोसिटी और
डिस्टेंस का रिलेशन बता रहा है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन बता रहा है। तो आज हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को ड्राइव कर लिया। अगर फिजिक्स नामा आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।